आज हम बात करने वाले आवकड़ा एक्सावटनी क्रीम के बारे में एंड ईशा गोल्ड ब्यूटी क्रीम के बारे में एंड गोरी क्रीम के बारे में। आज हम तीन क्रीम के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सी अच्छी रहेगी, या तीनों ही सेम ही स्किन वाइटनिंग के लिए, या इस क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्या। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी ब्यूटी के रिलेटेड अपलोड करूँ उसकी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके उस वीडियो की, और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। में बात करेंगे हम आवकड़ा एक्सावटनी क्रीम के बारे में। ये जो आवकड़ा एक्सावटनी क्रीम है ना, आपको पता है ये हर्बल कैटेगरी में आती है और ये हमारी कंट्री की क्रीम है। और आवकड़ा एक्सावटनी ये जो क्रीम है ना, 10-12 दिन में रिजल्ट दिखना चालू होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो आवकड़ा एक्सावटनी क्रीम अगर आप यूज में ले रहे हो ना, इसमें स्किन वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स करके अगर लगाते हो ना, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के गाइस। और कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और क्रीम का भी नहीं है। अगर आप यूज करना चाहते हो ना आवकड़ा एक्सावटनी क्रीम को, तो बिल्कुल आप यूज में ले। स्टेप टू में बात करते हैं हम ईशा गोल्ड ब्यूटी क्रीम के बारे में। गाइस आपको पता है ये जो ईशा गोल्ड ब्यूटी क्रीम है अभी लॉन्च हुई है और इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे लोग इस क्रीम को तो यूज में ले रहे हैं, जिन लोगों को पता है ना वो बहुत सारे लोग इस क्रीम को यूज में ले रहे हैं ना, सभी को अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है। अभी तक आपने ईशा गोल्ड ब्यूटी क्रीम को यूज में नहीं लिया है स्किन वाइटनिंग के लिए, तो बिल्कुल आप यूज में ले और आप खुद रिजल्ट देखेगा। इस क्रीम की प्राइस की बात करें ना, ईशा गोल्ड ब्यूटी क्रीम की 30 ग्राम का पैक आपको 300 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। और इसमें जितने इंग्रेडिएंट डाले ना, सभी हर्बल ही यानी कि केमिकल डाले, लेकिन वो स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। ये हमारी कंट्री की क्रीम नहीं है, पाकिस्तानी क्रीम। गाइस स्टेप थ्री में बात करते हैं हम गोरी क्रीम के बारे में। गाइस आपको पता है गोरी क्रीम इतनी फेमस हो चुकी है कि बहुत सारे लोग गोरी क्रीम को यूज में ले रहे हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, लेकिन गोरी क्रीम गाइस किसी किसी को सूट नहीं हो रही, और किसी किसी को सूट हुई ना तो उनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और गाइस किसी किसी को सूट नहीं हो रही तो पिंपल्स आ रहे, हेयर आ रहे, धूप में जाते हो तो स्किन रेड हो रही है, क्योंकि इसमें जितनी डुप्लीकेट कॉफी आती है ना उसमें स्टोराइड डाला हुआ है गोरी क्रीम में। ओरिजिनल क्रीम में तो कोई केमिकल हार्मफुल नहीं है, वो स्किन के लिए सेफ ही है, लेकिन गाइस बहुत सारे लोगों को डुप्लीकेट और ओरिजिनल क्रीम की पहचान नहीं है। कौन सी भी क्रीम कहाँ से ही खरीदती है गोरी क्रीम और यूज में लेती है, और फिर बोलती है कि गोरी क्रीम से साइड इफेक्ट हुआ है, गोरी क्रीम अच्छी नहीं है। गाइस अगर आप गोरी क्रीम यूज कर रहे हो ना, तो आपको पता ही है अगर आप ओरिजिनल बाय करते हो ना गोरी क्रीम, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने इस गोरी क्रीम को 4 साल से टेस्ट किया है ना, ओरिजिनल क्रीम का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट क्रीम का तो बहुत सारा साइड इफेक्ट है। आपको पता ही है जो स्टोराइड वाली क्रीम रहती है ना, उसी तरह ये जो गोरी क्रीम है ना डुप्लीकेट क्रीम अगर यूज करते ना उसी तरह साइड इफेक्ट देती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप गोरी क्रीम यूज भी करना चाहते हो ना, तो ओरिजिनल बाय करो, ओरिजिनल क्रीम का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ये तीन क्रीम चाहिए ओरिजिनल, तो नीचे मैंने नंबर दिया है ना स्किन पे, वो कंपनी ऑफिशियल सेलर का है, वहाँ से आप बिल्कुल इस क्रीम को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और आपको जानकारी चाहिए ना तीन क्रीम के बारे में, तो वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कौन सी क्रीम कौन सी स्किन टाइप के लिए सुटेबल रहती है, और स्किन वाइटनिंग कौन सी क्रीम देगी आपको, वहाँ पर सब डिटेल्स मिल जाएगी। आज के डे बस इतना ही, ओके बाय।